नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं पार्ट थर्ड के छात्रों के लिए भारत के भूगोल से संबंधित विषय भारत में कृषि विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए हम लोग इस विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भारतीय जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधारशिला कहा जाता है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है, जिसका आधार प्रदेश विशेष की भौतिक दशाओं के साथ साथ वहां अपनाई जा रही कृषि विधियां हैं। समान रूप से भारत की कृषि पर निम्नलिखित कारकों का प्रभाव पड़ा है। कृषि राज्य का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान के 7वीं अनुसूची के प्रविष्ट 14 में है। अक्टूबर 2006 में राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिश पर कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। भारत के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। भारत की 70% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 51% भाग पर कृषि कार्य होता है, जबकि कनाडा में केवल 5%, चीन में 11%, जापान में 13% एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के 20% क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। वर्ष 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 55.1% था, जो कम होकर के वर्ष 1990-91 में 29.6% तथा आर्थिक समीक्षा 12-13 के अनुसार 2011-12 में 14.1% रह गया है। इसमें से 12% कृषि, 1.4% वन तथा 0.7% मछली की भागीदारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने कि भारत के अर्थव्यवस्था में या कुल सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का जो योगदान था वो लगातार अब जो है सो घटता जा रहा है। कृषि क्षेत्र में योगदान में निरंतर इस कमी का कारण जीडीपी में सेवा क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्रों का बढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कृषि उत्पादन की औसत वृद्धि दर निम्नलिखित रही है। भारत को 15 जलवायु कृषि प्रदेश में विभक्त किया गया है, जिसका आधार प्रदेश विशेष की भौतिक दशाओं के साथ साथ वहां अपनाई जा रही कृषि विधियां भी हैं। समान रूप से भारत की कृषि पर 4 प्रमुख कारक का प्रभाव पड़ता है। कृषि के विकास पर सामान्य रूप से निम्न कारकों का प्रभाव देखा जा सकता है या देखा जाता है। पहला है भौतिक प्रभाव या भौतिक कारक। इसके अंतर्गत जलवायु की विभिन्न दशाओं जैसे वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी की उर्वरता, आस्थलाकृति, ढाल एवं भौगोलिक उचावच को शामिल किया जाता है। दूसरा है संस्थागत कारक। इसके अंतर्गत भूमि सुधार अर्थात बिचौलियों का अंत, चकबंदी, हदबंदी एवं काश्तकारी सुधार जिसमें लगान का नियमन, काश्त अधिकार की सुरक्षा तथा काश्तकारों का भूमि पर मालिकाना अधिकार आता है। इसके अतिरिक्त भूमि का पुनर्वितरण और पुराने भूमि संबंधों को समाप्त करना, इन सभी समस्याओं की जड़ अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शोषणकारी भूधारण पद्धतियों में निहित थी।
तीसरा कारक जो है वो संरचनात्मक कारक है। इसके अंतर्गत कृषि में आधुनिकता एवं उत्पादकता बढ़ाने वाली तकनीकी उपकरण, कृषि शोध पद्धतियों एवं विज्ञान आधारित निवेश को शामिल किया जाता है। इसमें उच्च उत्पादकता वाले बीज, रासायनिक एवं जैव उर्वरक, सिंचाई ऊर्जा, मशीनरी व कीटनाशक के साथ साथ कृषि विपणन, कृषि साख और एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रमुख हैं। भारतीय कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धियों को दीर्घजीवी बनाने के लिए सतत एवं हरित कृषि को प्राथमिकता दी जा रही है। अब चौथा जो है वो है राजनीतिक प्रशासनिक प्रयास। संस्थागत एवं संरचनात्मक कारकों की सफलता काफी हद तक कृषि को गति देने वाले राजनीतिक व प्रशासनिक निर्णय एवं प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि सीमा साख की उपलब्धता, कृषि वित्त ऋण प्रवाह, विपणन व भंडारण केंद्रों तथा अन्य आधारभूत कृषि संरचना एवं विकास इसी पर आधारित होते हैं। तकनीकी दक्षता। तकनीकी दक्षता एवं कुशलता वर्तमान कृषि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे गतिशील प्रभावी कारक हैं। किसान कॉल सेंटर, ग्रामीण ज्ञान केंद्र, ई चौपाल, ग्रामीण जॉब परीक्षा केंद्र, कृषि उपज भंडारण, बागवानी और रोपण, ऊर्जा संरक्षण एवं कृषि प्रशिक्षण जैसे तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता को नया आधार मिला है। छठा है सस्य गहनता। सस्य गहनता अथवा फसल गहनता का अर्थ है एक ही खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या। दूसरे शब्दों में किसी कृषि योग्य कृषि भूमि पर एक वर्ष में जितनी बार फसल उगाई जाती है वह उस भूमि की सस्य गहनता कहलाती है। सस्य गहनता प्राकृतिक दशाओं, सामाजिक आर्थिक एवं संस्थागत कारकों द्वारा प्रभावित होती है। सस्य गहनता को निम्न सूत्रों के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जैसे सस्य गहनता सूचकांक बराबर वर्ष में कुल कृषित भूमि क्षेत्र बटा वर्ष में शुद्ध कुल कृषित क्षेत्र गुना 100। वर्ष 2009-10 के अनुसार भू उपयोग सांख्यिकी के अनुसार देश में कृषि भौगोलिक क्षेत्र 32.87 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से 140 मिलियन हेक्टेयर निवल बोया गया क्षेत्र और 199.2 मिलियन हेक्टेयर सकल फसल क्षेत्र हैं। इस प्रकार फसल सघनता 137.3% आंकी गई थी। वर्ष 1950-51 में खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत 76.7% भूमि थी, वर्तमान में यह घटकर 65.6% रह गई है। कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से विश्व में सिर्फ 3 राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत एवं चीन हैं। भूमि उपयोग नियोजन तथा भूमि संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 1988 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की भूमि उपयोग का विस्तृत तथा वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना है। सातवां है सस्यन प्रणाली। यह आसान विशिष्ट प्रणाली है जो वातावरण को उबलने से परिवर्तित हो जाती है, अतः फलोत्पादन के सभी अवयवों तथा इनका आपसी संबंध और वातावरण के साथ सामंजस्य होना सस्यन प्रणाली कहलाती है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सभी संसाधनों जैसे भूमि, जल और सौर विकिरणों का समुचित उपयोग करना है। इस तरह इस आलेख में आपने भारत में कृषि विषय वस्तु को पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई कठिनाई हो रही हो तो आप मुझसे मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 बात कर और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।